चूँकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और चूँकि अवैध गतिविधियों के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई जारी है, इसी क्रम में अवैध हथियारों के खिलाफ थाना ककनार ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। कुछ समय पहले भी उनके द्वारा एक बड़ी खेप हथियारों की पकड़ी थी, आज पुनः इन्होंने प्रॉपर प्लान करके सूचना के आधार पर ककनार पुलिस ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है। पाचोरी ग्राम है, पाचोरी ग्राम में इन्होंने जो इसका गुरुदेव पिता बराड़ जाति सिकलीगर जो है पाचोरी का रहने वाला है, इसके द्वारा अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने सूचना पर पाचोरी में दबिश दी, योजना बनाकर और दबिश में इसको पकड़ा भी, और इससे करीब 16 पिस्टल जो देशी पिस्टल है वो जब्त किए। साथ ही जो पिस्टल बनाने का जितना भी सामान है, एक छोटी फैक्ट्री के रूप में है, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। साथ ही इसका जब रिकॉर्ड खंगाला तो अभी इसने जो एक्सेप्ट किया, इसके खिलाफ एक हरियाणा में भी प्रकरण पंजीबद्ध है। इसके पारिवारिक भूमि भी बड़ी आपराधिक किस्म की है। इसका बड़ा भाई, इस पर 2 आर्म्स एक्ट के केस हैं, इसके छोटे भाई नानक पर भी एक केस है, और इसका पिता बराड़ पर भी एक केस है। कुल मिला के ये अवैध हथियारों के निर्माण में और उसके सप्लाई में लिप्त था, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की। और इस कार्रवाई में हमारे जो हैं सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी विनय आर्य और उनकी टीम, इसमें शिवपाल सरियाम, एएसआई अमित हनोतिया, आरक्षक अक्षय दुबे, सादाब अली, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जो पुरस्कृत भी किए जाएंगे। और इस कार्रवाई से पुनः ये हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी और अवैध हथियारों को लगातार करीब 2.25 लाख के आसपास होना चाहिए। मस्जिद कहाँ पर इसको बेचने की तैयारी? ये अभी बना रहा था, इन लोगों की सप्लाई तो अलग अलग जगह पे है, इनको बनाने के दौरान ही हम लोगों ने पकड़ा। नहीं, अभी तक ऐसी चीज़ें फिलहाल नहीं है, इससे इंटरोगेट करेंगे, कोई भी चीज़ें होगी तो उसमें कार्रवाई। नहीं, कई बार इनको अलग अलग जगह पे पकड़ा गया है और उनमें लगातार कार्रवाई है, क्योंकि ये अलग अलग जगह के ऊपर कई बार इनकी कार्रवाई हुई, चूँकि हरियाणा में भी ये पकड़ा गया है, तो इंटर स्टेट सप्लाई के इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते कार्रवाई लगातार जारी है। सर, जो आरोपी कितनी बार पकड़े जाते हैं वो जेल से रिटर्न आ जाते हैं, फिर ये काम करते हैं, तो ऐसे कोई आरोपी चिन्हित है कि अपने पास कितने आरोपी ऐसे हैं जो कि लगातार ये इस काम? क्योंकि बहुत सारे जिनके आपराधिक प्रकरण हैं उनको हम चिन्हित करके उनको सर्वेलेंस में भी रखते हैं और कार्रवाई लगातार की जाती है, क्योंकि एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किंतु पुलिस अवैध हथियारों पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयासरत है। थाना ककनार के अंतर्गत गुरुदेव सिंह सिकलीगर है, जो पाचोरी का रहने वाला है। सूचना पर ककनार पुलिस के द्वारा दबिश देकर पाचोरी में कार्रवाई की है, जिसमें 16 देसी पिस्टल जब्त किए हैं और पिस्टल बनाने का जितना भी सामान है वो भी जब्त किया है। एक छोटी फैक्ट्री के रूप में वो कार्य कर रहा था, तो पुलिस अभी तक इसमें गुरुदेव को अरेस्ट किया है और बाकी की कार्रवाइयाँ अन्य उसके इंट्रोगेशन पर जो भी अगली चीज़ें हुई कार्रवाई करेंगे।